जय श्री राम। राम राम जी। क्या हाल चाल सभी के? तो उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दीपक ब्लॉग टीवी पर मोटर ब्लॉग में स्वागत है फिर से। तो आज का मोटर ब्लॉग देखते हैं हमारे कैसे रहने वाला है। मैं पहुंचूंगा घर इस मोटर ब्लॉग को बनाते हुए। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या टॉपिक रखने वाले हैं, क्या होने वाला है। प्रॉब्लम ये है भाई, चैनल पे से कुछ वीडियो जो हमारे यार दोस्त हैं जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब से। वो पूरा ओरिजिनल मेरा कंटेंट है, उसमें मैंने बाहर का एक सॉन्ग तक ऐड नहीं कर रखा, ठीक है। वो पूरा का पूरा मेरा कंटेंट है। तो उस वीडियो को किसी ने डाउनलोड करके भाई अपनी प्रोफाइल पे डाला हुआ है, मतलब अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, डिट्टो कॉपी। उसमें मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा फेस आ रहा है, मेरा कंटेंट आ रहा है, मेरा वाहन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है उस वीडियो में, सब कुछ। तो भाई अभी मैंने कल परसों देखा YouTube स्टूडियो पे जाके, उसमें दिखा रहा है कि इस बंदे ने आपकी ये वीडियो यूज़ की हुई है, आप कॉपीराइट क्लेम करना चाहते हैं, उसको रिमूव के लिए रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। अभी तक मैंने, वैसे वो आज सुबह ही देखी थी, अभी तक मैंने उस पर ना रिक्वेस्ट भेजी है ना कॉपीराइट स्ट्राइक। बस मैं इस वीडियो के द्वारा ये बोलना चाहता हूँ, यार ऐसे मत करो। वीडियो देखो, अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो ना तो मेहनत कर लो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी और का ही कंटेंट चुरा के डालना है तो यार, अगर इतना ही आसान होता तो कैसे होगा। देखो स्ट्राइक मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि एक स्ट्राइक मेरे भी चैनल पर पड़ा है, मुझे पता है कितना बुरा लगता है। और टाइम हो रहा है 8:37। अब मैं बताता हूँ इस वीडियो को मैं टॉपिक क्या रखने वाला हूँ। बस यहाँ ट्रैफिक रहेगा 62 में, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाता हूँ फटाफट। यार ये ट्रैफिक में फंसना गर्मी के टाइम पे और ज़्यादा कठिन काम है, ये गर्मी नहीं सहन होती और ऊपर से ट्रैफिक के अंदर भपका। इस बाइक में एक और सीन है ना भाई, इसमें रेडिएटर फैन लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कूलेंट सिस्टम है इंजन को कूल करने के लिए, तो वो और चल जाता है, यहाँ से भपका आ रहा होता। अभी भी चल रहा है फर 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 करके। तो एक चीज़ चेक करते हैं, चलो रोड खाली है, वो चीज़ चेक करते हैं कि हमारी जो बाइक है NS 200 सिक्स गियर है, तो इसमें छठा गियर कितनी स्पीड पर लेती है ना। नॉर्मल स्पीड पे चेक करेंगे, ऐसे तो भगा के तो वो स्पीड को खींच के तो फिर बहुत आगे भी ले लेगी। नॉर्मल स्पीड पे इसको गियर छटा कितने पे चाहिए होता है कम से कम पे, और नॉर्मल पे कितने पे चाहिएगा? तो अभी कितने पे है, ठीक है, अभी मैं एक बार गियर निकाल लेता हूँ, अभी मैं एक दो गियर निकाल लेता हूँ। अभी चल रही है फोर्थ गियर में, ठीक है ना। बस ये है जो, क्योंकि ये अब जो नया मॉडल आया ना NS का, उसमें आ रहा है यहाँ पे गियर इंडिकेटर, जिससे कि गियर का पता चल जाता है कौन से गियर में चल रही है। फिफ्थ गियर गया है भाई, पांचवे गियर में इस टाइम पे, अब मांग रही है छठे गियर इतनी स्पीड पे, 85 भाई, 85 पे मांगती है छठा गियर। फिर अगर हम खींच के चला रहे हैं तो ज़्यादा पे मांगेगी, कम से कम मिनिमम 85 पे चाहिए इसको, उसके नीचे 80 तक मान लो, चलो 80 से 85 के बीच में इसको छठा गियर चाहिए। टाइम हो गया भाई 9:01। बस मुझे मसूरी काम है 5 मिनट का, तो मैं ऊपर से नीचे से जाऊंगा फ्लाईओवर के। और वीडियो इतनी ही, क्योंकि लगभग मैं पहुंच गया हूँ, ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है, एक तो हमने चेक करी है भाई छठा गियर हमारी बाइक कब लेती है NS 200, बाकी और किसी के पास होगी या सिक्स गियर की बाइक जिसके पास होगी तो चेक करके बताओ भाई, सबका सिस्टम अलग अलग रहता है। और दूसरा टॉपिक है वीडियो का, यार वीडियो देख रहे हो ना तो ऐसा मत करो, कंटेंट चुरा के कंटेंट मत डालो, अपना कंटेंट बनाओ, वो ओरिजिनल होगा और सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, बेसिक टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, ओरिजिनल। तो इसी के साथ साथ मैं पहुंच गया मसूरी और वीडियो खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उठाते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का भी, सभी को राम राम जी। और अगर ऐसा कुछ मिलेगा जाते जाते रास्ते में कि कुछ दिखाने का बताने का, तो मैं डाल दूंगा वीडियो में। चार गोली है, निकाल दो चौथे नंबर वाली, SP वाली जो है।